हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष जैन। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरलिंक और एक्सटरलिंक कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, इंटरलिंक क्या होते हैं बेसिकली, कि जब मान लीजिए अगर आपने कोई भी अगर वेब पेज बनाया हुआ है और वो वेब पेज काफ़ी लेंथी है, तो अगर कोई भी आपके वेब पेज पे को विजिट करता है, तो विजिट करने के बाद मान लीजिए अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करना चाह रहा है, तो वो ईजिली इंटरलिंक के थ्रू वो जंप कर सकता है। पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पहले से ही शॉर्ट आपको टाइम सेव करने के लिए मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने टॉप 10 इंडियन बैंक की लिस्ट दी हुई है एंड आई हैव आल्सो पुट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, ये आउटपुट है टॉप 10 इंडियन बैंक्स। देखिए, हेड है, टाइटल है लिंक्स, और लिंक देखिए दैट इज ऑलरेडी अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज। एंड देन बॉडी में मैंने स्टार्ट किया पहले हेडिंग 1, अलाइन इक्वल टू सेंटर टॉप 10 इंडियन बैंक्स। देखिए, वैसे ही अपीयर हो रहा है आउटपुट में भी। फिर मैंने जो है सीरियल ऑर्डर में मैंने एक एक वन बाय वन मैंने जो है सारे बैंक्स के नाम लिखे हुए हैं बाय विद द हेल्प ऑफ H2। और देख सकते हैं आप यहाँ पर SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक, IDBI। अब मान लीजिए आपके वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है और वो देखता है यहाँ पर, मान लीजिए अगर किसी को येस बैंक की अगर कोई इंफॉर्मेशन पढ़नी हो, तो वो कैसे पढ़ेगा? सो ऑब्वियसली यहाँ पर वो स्क्रोल ऑन करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। बट अगर मान लीजिए उसको हम शॉर्ट में ही पहले एक हाइपर लिंक यूज़ कर दें, यहाँ पर हम टॉप में अगर दे दें, सो दैट ही और शी कैन डायरेक्टली जंप टू दैट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरनल लिंक। जैसे देखिए, एस बैंक के अगर जाना है तो उसको एक स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा हम यहाँ पर टॉप में ही इसको एक हाइपर लिंक दे सकते हैं, ताकि जो विजिटर है वो ईजिली जो है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन वो ईजिली जंप कर सकता है। देखिए कैसे करते हैं, इसके बेसिकली दो स्टेप हैं। पहले हम इसका एक बुक मार्क बनाते हैं। जैसे देखिए, मेरे को येस बैंक का मुझे बुक मार्क बनाना है, कैसे करेंगे? देखिए, H2 में ही मैं आगे बना दूंगा एक आईडी की हेल्प से। आईडी इक्वल टू, अब मान लीजिए इसको नाम देते हैं। जैसे देखिए, येस बैंक जो 9th पॉइंट पे है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया 9। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस। अब वहाँ पर जाइए जहाँ पर आपको हाइपरलिंक देना है या इंटरलिंक आपको देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे टॉप 10 इंडियन बैंक, मैं मान लीजिए यहीं पर ही यहाँ पर जो है एक लिंक देना चाहता हूँ। तो कैसे देते हैं, देखो, AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे हैशटैग 9 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर नाम दीजिए एक हाइपर लिंक का जो आप देना चाहते हो, जैसे मैंने दी दिया येस बैंक। नाउ क्लोज दिस लिंक, ये मैंने टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस। अब आप आउटपुट पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एक इंटरलिंक क्रिएट हो गया। अब देखिए, जैसे मैं येस बैंक पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर दूसरे सेक्शन में जंप कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, देखिए मैंने ये जमें पिक लिया और मैं डायरेक्टली जो है नीचे आ गया। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द इंटरनल लिंक। अब देखते हैं हम एक्सटर्नल लिंक कैसे करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक अपने वेब पेज पे इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे एक इमेज को ही एज एन एक्सटर्नल लिंक यूज़ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे पहले हम एक इंसर्ट इमेज यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो, जैसे देखिए, मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक SBI का इमेज इंसर्ट की हुई है। ठीक है, और राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए। देखिए, नाम क्या है? SBI, और फाइल टाइप कौन सी है? JPG। तो मैं यहीं पर ही इसको मैं यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे है SBI, एंड पहले एक इमेज इंसर्ट करते हैं। IMG सोर्स इक्वल टू मेरे जो फाइल का नाम है वो क्या है? SBI। फाइल टाइप क्या है? JPG इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
अब मान लीजिए मैं फाइल का जो है इमेज का साइज भी देता हूँ, जैसे विड्थ इक्वल टू 100, हाइट ऑल्सो इक्वल टू 100, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो इमेज एक इंसर्ट इमेज कर दिया है, लेट्स सी द आउटपुट। देखिए यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो गई है। अब देखो मैं अगर इन इमेज को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई अभी कोई लिंक क्रिएट नहीं हुआ, अभी मुझे इसको इमेज में मुझे यहाँ पर एक लिंक जो इंसर्ट करना है, वो देखिए कैसे करते हैं। मैं इसे में करूँगा, देखिए AHREF इक्वल टू एनिमेटेड कोमा में लिखिए। अब वहाँ पर आपको एक वेब एड्रेस आपको लिखना है, या देखना वेब एड्रेस करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज आपको गलत हो जाएगा। जैसे कि HTTP www.onlinesbi.com एनिमेटेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंड देन लास्ट में हम ये टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस, आउटपुट पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए। यहाँ देखिए अब यहाँ पर एक जो है एक एक्शन लिंक बन गया है। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैं SBI के वेब पेज में यहाँ पर वेब एड्रेस पर पहुँच गया हूँ। तो ये है आपका इंटरनल लिंक, SBI लिंक कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको एज एन एक्शन लिंक आपका ईमेल वो देना हुआ कैसे देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर टॉप में बटन में यूज़ कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर गया, जैसे यहाँ पर लिखा AHREF इक्वल टू, मुझे एक मेल का जो है एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना है, कैसे करना है देखिए, मेल टू कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे abc@gmail.com, राइट अस एंड देन क्लोज दिस टैग, प्रेस कंट्रोल प्लस एस, गो टू आउटपुट, रिफ्रेश दिस। आपने चाहिए देखिए यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर बन गया राइट अस, इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक जो मेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द एक्सटर्नल लिंक। आप जो एक अपना ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।